श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में श्रावण के इस पवित्र महीने में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में सभी देवालयों में बाबा महादेव पर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इस साल कोरोना का काल है, ऐसे में पहाड़ी मंदिर में क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं, इस पर विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ पहाड़ी मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष अभिषेक आनंद है। सीधे उनसे सवाल लेना चाहेंगे। सर, आज सावन की पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है और कल पहली सोमवारी है, किस तरीके से लोग यहाँ पहुँचेंगे और क्या व्यवस्थाएँ किए गए हैं, क्योंकि कोविड का काल है और पिछले साल भी लोग जो भक्त थे वो बाबा पहाड़ी के दर्शन नहीं कर सके थे। मैं पहले बताना चाहूँगा कि सरकार के आदेश के आलोक में पहाड़ी मंदिर को बंद रखा गया है। भक्तों को दिक्कत नहीं हो इसलिए हम लोगों ने पहाड़ी बाबा का लाइव दर्शन के लिए यूट्यूब पे और रांची पहाड़ी मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोगों का लिंक उपलब्ध है। जो भी बाबा का दर्शन करना चाहते हैं वो लिंक में जाकर के लाइव दर्शन कर सकते हैं। लाइव दर्शन प्रातः 4:30 बजे से लेकर के संध्या 8 बजे तक रहेगा और इस दौरान कोई भी श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर सकते हैं। साथ साथ हम भक्तों के लिए ये भी सुविधा रखे है कि जिन्हें रुद्राभिषेक कराना हो चाहे विशेष पूजन कराना हो, इसके लिए हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक उपलब्ध है। इसमें रुद्राभिषेक जिन भक्तों को कराना होगा वो 1101 रुपया और जिसको विशेष पूजा कराना होगा वो 101 रुपया का ऑनलाइन डोनेशन दे करके यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। और जिसको संध्या में अपना जो भी भक्तों का पूजा किया जाएगा उनका नाम गोत्र और जो पूजन होगा वो लाइव देख सकते हैं। अच्छा, विशेष पूजा जो प्रातःकालीन पूजा कल सोमवार है, प्रातःकालीन जो पूजा होगी उसको लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से श्रद्धालु है वो कल पहले दिन सोमवार की पूजा को वो ऑनलाइन देख पाएंगे? कल जो प्रातः पहला पूजा होगा वो रांची पहाड़ी मंदिर प्रबंधन समिति के जो भी अधिकारीगण है, सदस्य है, उनके माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पे आम भक्त काफ़ी भीड़ लेकर के आएंगे तो इसके लिए हम लोगों ने लाइव दर्शन के लिए बोले सब घर में बैठ के लाइव दर्शन करें ताकि कोविड महामारी से हम लोग बच सके। और साथ ही साथ जिला के तरफ से यहाँ पे दंडाधिकारी और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि अधिक से अधिक यहाँ पे भीड़ ना लग सके। बिल्कुल, तो दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जो पहाड़ी मंदिर का मुख्य द्वार है यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा के जवान जो होंगे वो सुरक्षा का कमान संभालेंगे ताकि जो भक्त हैं वो अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाएं। और इस बार भी कोरोना के मद्देनज़र बाबा पहाड़ी का जो पट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। हालाँकि जिला प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। बस बाहरी से हम लोग को पूजा करने मिला, अंदर तो कोरोना की वजह से नहीं जाने मिला। और कोरोना है इसीलिए अंदर बोला कि आप नहीं जा सकते हैं, पर हम लोग बाहरी से जिस तरह पूजा करते उसी तरह से पूजा किए और प्रार्थना किए कि सब ठीक हो जाए, कोरोना जल्दी हट जाए। तो लाइव लगातार के लिए रांची से सौरभ शुक्ला। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।